पूरा युद्ध पांडव जीते कृष्ण की बदौलत, मगर कृष्ण ने कभी कॉलर ऊपर नहीं किए ये कहते हुए कि आप मेरी वजह से जीते। क्या इसलिए? क्योंकि उन दिनों में कॉलर नहीं हुआ करते थे, मगर इसलिए क्योंकि कृष्ण क्रेडिट लेने में मानते ही नहीं थे। अब एक बात बताऊं, आज दिन तक भगवान हमें कभी कहने को आए हैं कि मैंने तुमको इतना दिया, तुम्हारे लिए ये किया? अगर कोई दिन वो आ जाए, आप सोच सकते हो लिस्ट कितना हो सकता है। हम अपने आप को बेच भी देंगे ना तो भी संभव नहीं होगा कि उसके बिल को हम चुका पाएंगे कभी। जबकि कृष्ण की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वो धर्म और आध्यात्मिकता की सबसे ज्यादा गहराई और ऊंचाई को पा चुके थे, मगर वो कहीं पर भी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं थे। यानी कि यू नो, सच तो ये है कि वो हंसते रहते थे, खुश रहते थे। ही वॉज नॉट अ क्लोज्ड पर्सनैलिटी। कोई भी इंसान बड़ी आसानी से ईजिली उन तक पहुंच पाते थे, उनसे बात कर पाते थे। उतना ही नहीं, ही वॉज वेरी वेरी फ्रेंडली। यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी में तीन शब्द हमेशा हुआ करते थे, और वो तीन शब्द थे हंसना, नाचना और गाना। और मेरा ये मानना है कि आज का इंसान जिसकी ज़िंदगी में ये तीन शब्द ना हो, जैसे मैं कहता हूँ हंसना, नाचना और गाना, ही वॉज अ लाफिंग, सिंगिंग एंड डांसिंग गॉड। जिसकी ज़िंदगी में ये तीन शब्द नहीं है, सच तो ये है कि शायद उस इंसान को ये पता ही नहीं है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। क्या आपको पता है वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंटरटेनमेंट एंड सेलिब्रेशन? अगर हिंदी में पूछूँ तो मनोरंजन और उत्सव में क्या फ़र्क है? मनोरंजन, एंटरटेनमेंट, उसे कहा जाता है कि जब कोई नाच रहा है उसे देखने के लिए आप पैसा खर्च करते हैं और आप उसे देखकर खुश होते हैं, इसे कहते हैं एंटरटेनमेंट, मनोरंजन। हमारी जिंदगी में एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन की कोई कमी नहीं है। हर जगह से पर्सनल इन्वॉल्वमेंट कम होते जा रहा है, दिन भर दिन कम होते जा रहा है। देखा जा रहा है दोस्तों कि जैसे इंसान के इमोशंस कम होते जा रहे हैं, वो कोई भी जगह पे अपने आप को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता, पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहता। जबकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कृष्ण, आपको याद होगा दोस्तों कि कृष्ण ने कभी ऐसा नहीं किया था कि जब वो कहीं पर आके बैठ गए हो और इशारा किया और किसी ने म्यूजिक बजाना शुरू किया, वापस इशारा किया तब किसी ने नाचना शुरू किया और वो देख कर कृष्ण खुश हो रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ था। इंटरेस्टिंगली कृष्ण खुद वो म्यूजिक बजाते थे तो खुद नाचते थे कि जो म्यूजिक सुनकर तो उनको देखकर दूसरे भी नाचना शुरू कर देते थे। देर वॉज पर्सनल इन्वॉल्वमेंट, वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड दैट्स वेयर आज हमारी जिंदगी से जब पार्टिसिपेशन कम होते जा रहा है तो जो हैप्पीनेस का एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो भी कम होते जा रहा है, और उस हैप्पीनेस को, उस खुशी को हम लंबे टाइम तक रख नहीं पाते बिकॉज उसमें जब हम इन्वॉल्व ही नहीं हुए हैं तो उस एक्सपीरियंस को कैसे अपने साथ रख भी पाएंगे। इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये हेल्प करना चाहते हैं कि कैसे वो अपनी जिंदगी में एक बड़ा गोल सेट करे और उस गोल्स को अचीव कर सके कि तभी जा करके वो एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, अपने परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों कि हम अपनी देश की अगर इकोनॉमी को ऊपर उठाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश हम वापस ऐसे सोने की चिड़िया बना सके, तो वो तभी संभव है दोस्तों कि जब हम अपनी जिंदगी के लिए ग्रोथ करेंगे। तो अगर आप इस बात से, सबकी जिंदगी में चाहे कोई भी चैलेंजेस है, कोई भी तकलीफें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सी व्हाट मैटर्स इज कि आप कहां पर पहुंचना चाहते हैं,
अगर आप अपनी जिंदगी के लिए जब तक एक सही गोल सेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप अपनी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर लेकर नहीं जा सकते हैं। अगर ये चीज आपको समझ आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपके पास है ना एक माइंड है, और वो दुनिया की इतनी पावरफुल टेक्नोलॉजी ईश्वर ने, खुदा ने, भगवान ने हमें दी है कि जिसके माध्यम से हम जो चाहे उसे हासिल कर सकते हैं। हमारा माइंड और कुछ भी नहीं है मगर एक ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मशीन है। ये अभी आप ही सोचिए दोस्तों कि अगर वो बच्चे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, मतलब 97% बच्चों की कमाई को अगर आप इकट्ठा कर ले और उनसे 10 गुना ज्यादा कमा रहे थे, तो मतलब तो साफ है कि वो 3% इसीलिए कमा रहे थे, ना कि वो किस्मत वाले थे, ना कि वो तारे ग्रह बराबर थे, ना कि उनकी कुंडली अच्छी थी, ना कि जन्म का तारीख और समय बराबर था, मगर वो इसलिए क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपनी जिंदगी में स्पेसिफिक गोल्स यानी कि लक्ष्य को डिसाइड किया हुआ था, कागज पर लिखा हुआ था, उसे अपने सामने लगा कर रखा हुआ था, एंड इस वजह से उन्होंने इस तरक्की को पाया था। अब जब आप अपना फोकस सही जगह पे लगा देते हो तो रास्ते मिलना शुरू हो जाते हैं। तो पहला पॉइंट, तो अगर कोई आदमी अपनी जिंदगी के बुरे दिनों को याद करके वापस और वापस दुखी हो सकता है, तो हम अपने जिंदगी के अच्छे दिनों को याद करके खुश भी हो सकते हैं। आपने जन्म से लेकर अभी तक जो देखा, जो सुना और जो अनुभव किया, वो सब कुछ आपके अंदर उतर चुका है। आपको लगता होगा कि हम अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जी रहे हैं। नाउ वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर इनपुट्स, मतलब कि बचपन से जो देखा, सुना, एक्सपीरियंस किया, हम वो जिंदगी जी रहे हैं। हम आज जो सोचते हैं और जिस चीज का चुनाव करते हैं, वो हमारा चुनाव नहीं है, जो लोगों ने अपने अंदर डाला है उसका चुनाव है। एक होते हैं हमारे डर और दूसरी होती है हमारी आदतें। अब दोस्तों, इंसान को अगर दो चीजें रोक रही है उस ऊंचाई को पाने से जो वो डिजर्व करता है, तो वो है उसके फियर्स। हम कर तो बहुत कुछ सकते हैं लेकिन अंदर डर है, नहीं हुआ तो डोंट मेक इट योर प्राइमरी इनकम सोर्स। इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज द सेकंड इनकम सोर्स एंड दैट इज योर रिटायरमेंट प्लान। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मिलियनर्स बने हैं और वो है रियल एस्टेट के अंदर। लॉकर में आप कितना पैसा भर सकते हैं? आज इंडिया में ऐसे कितने सारे लोग हैं जिनका महीने का करोड़ों का कमाई है और वो सारा अपना पैसा पार्क करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, कि जब आपने उसी को पार्क कर दिया एक रियल एस्टेट के फॉर्मेट में, तो वो दिखता नहीं, वो रिस्क नहीं है, एंड 5 साल के दौरान आपको पता ही है कि वहां पर कैसा ग्रोथ मिल सकता है। सो दैट्स अ ग्रेट पॉसिबिलिटी फॉर अस। रिसेशन बिकम्स द बेस्ट टाइम टू बाय, टू इन्वेस्ट। जो आप कर सकते हैं वही करोगे तो वही होगा जो अभी तक हुआ है। जो अभी तक नहीं किया है, जब वो करोगे तभी तो वो होगा जो अभी तक नहीं हुआ है। कि मुश्किल परिस्थितियां अच्छे और काबिल इंसान बनाती हैं और आसान परिस्थितियां आलसी और बेवकूफ इंसान बनाती हैं। एंड दैट इज मनी की नई परिभाषा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मनी इज पावर, मनी इज टाइम, मनी इज फ्रीडम, मनी इज हैप्पीनेस, मनी इज एक्सप्रेशन। कि सिर्फ कुल्हाड़ी का इस्तेमाल करेंगे ना तो काम नहीं होगा, कभी कभार ब्रेक लेके कुल्हाड़ी की धार निकालना भी जरूरी होता है। पैसा कमाने के लिए पैसा नहीं चाहिए, पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए दो चीजें चाहिए। पहला आइडिया, विचार, आइडिया, और दूसरा जो चीज चाहिए वो है काबिलियत। थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड एवरीवन ऑन ज़ूम, थैंक यू टू यू आल्सो। इट्स अ स्पेशल फीलिंग, पहली बार दुबई के स्टेज पर आना, इट्स रियली अ स्पेशल फीलिंग, बट आई पर्सनली फील कि मेरा यहाँ पर खड़े रहना, आज आपका इस सेमिनार में आना, दिस इज ऑल्सो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज वी आर नॉट हियर बाय चांस।
यू डोंट बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर आप उसमें मानेंगे नहीं, यकीन नहीं करेंगे, तो वो चीज आपके लिए काम शायद ना करें। और दूसरा रीजन है, आपको शायद उसका इस्तेमाल कैसे करना, उसका सही तरीका, सही टेक्निक पता नहीं है, एंड दैट बिकम्स अ सेकंड बिग रीजन। तो यहां पर हम दोनों रीजंस के ऊपर आज काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले, व्हाई डोंट यू बिलीव, द रीजन बीइंग हम इंसान जो है वो देखते जो है उन चीजों पर यकीन करते हैं, राइट? ये हमारा स्वभाव है कि हमें दिखाई दे, कुछ हमारे सामने हो, वी बिलीव इन दैट। स्वामी विवेकानंद की कुछ अमेजिंग बातें हैं जो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आवर्स, इट इज वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आवर आईज एंड क्राई दैट इट्स डन। सारे ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां है हमारे अंदर मौजूद है, लेकिन हमने अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखा हुआ है और हम रो रहे हैं कि अंधेरा है। वो कहते हैं कि आज आप जो है आपके विचारों की वजह से है, और इसलिए हम ध्यान रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आगे, जब एक विचार आपके दिमाग में बैठ जाता है, तब वो एक फिजिकल या मेंटल रियलिटी जल्दी ही बन जाता है, बिकॉज आप जो बीज बोते हैं वही फ्रूट्स आपको मिलते हैं। अगर आप एक चीकू के पेड़ का बीज बोए तो कौन सा फ्रूट मिलता है? अगर वो बीज चीकू का है तो मैंगो नहीं मिल सकता है। बस एग्जैक्टली वैसे वो बीज जो है वो है हमारे विचार। तो जो विचार आप कर रहे हैं वही रिजल्ट्स आप प्रोड्यूस करते हैं फ्रूट्स के रूप में। एंड साथ ही साथ वो कहते हैं, वी द मेकर्स ऑफ आवर ओन फेट, हम अपनी किस्मत खुद बनाते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ये बात उन्होंने कई बरसों पहले बताई थी। Richest, one of the most successful people in the world, एक इंटरव्यू में साथ में थे Warren Buffett and Bill Gates। दोनों को एक इंटरव्यू में साथ में पूछा गया एक सवाल कि सफल होने के लिए इंसान के अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। एंड दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस किए बिना अपने आंसर्स को एक कागज के टुकड़े पर लिखा। जब दोनों का आंसर ओपन किया गया, सेम आंसर निकल आया, एंड दैट वन सिंगल वर्ड, सिर्फ एक शब्द था जो दोनों ने कहा। दुनिया के दो सबसे सफल, सबसे अमीर इंसान कहते हैं कि सफल होने की अगर सबसे बड़ी कोई क्वालिटी वो इंसान के अंदर है तो वो एक शब्द है, एंड दैट इज फोकस। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे करोड़पति भिखारियों को देखा है, और इसलिए समझना जरूरी है कि जिस चीज पर आप फोकस करेंगे, that's where your energy flows, और जहां पर आपकी एनर्जी जा रही है वहीं पर उस चीजों को आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने वाले हैं। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स ना हो ये कभी संभव नहीं हो सकता। दोस्तों, एक इंसान जो भगवान से, ईश्वर से, खुदा से ये प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी जिंदगी में कोई तकलीफें ना हो, यही सबसे बड़ा आपका दुख का कारण बन जाएगा। दैट यू एक्सपेक्ट कि देयर शुड बी नो प्रॉब्लम्स। परफेक्शनिज्म मिथ। जब तक हमारी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं, अच्छे दिन, बुरे दिन, सफलता, निष्फलता, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन, यू नो, गुड डे, बैड डे, सक्सेस, फेलियर, प्रॉफिट, लॉस, व्हेनेवर एनीथिंग सच इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, दैट मींस कि उतार चढ़ाव चल रहे हैं। और जब तक उतार चढ़ाव चल रहे हैं तब तक हम जिंदा है। हर बुक में लिखा था एक चीज, डिसाइड योर गोल, डिसाइड योर गोल, डिसाइड योर गोल। पर जब तक आप 10 रूम के घर में बड़े हुए हो, गाड़ी ड्राइवर आपको मिला हो, तो आप गोल डिसाइड क्यों करेंगे भाई? But when we were struggling, I decided to decide goals. Start understanding the law of attraction को कैसे आप कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। You get what you think about. आप जो सोचते हैं उस चीज को आप आकर्षित करते हैं। Surprisingly, each and every day, we have average of 60,000 thoughts. And National Science Foundation ka survey research ye kehta hai that 80% of the thoughts are negative. 60,000 thoughts ek din mein, usme se 80,000 thoughts negative hai, aur 95% thoughts jo hai hamare wo repetitive hai. Now can you believe this? इश्यू इज कि मनी को हमने है ना कल्प्रिट बना दिया है कि पैसा सारे फसाद की जड़ है।
जबकि ये सच नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा एनर्जी है तो आप दूसरों को ज़्यादा एनर्जी दे सकते हैं। इफ़ यू हैव मोर मनी यू कैन हेल्प सो मैनी पीपल। सो आई वॉज क्लियर कि अगर कॉन्सेप्ट अपने देश का ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो पढ़ा के रोटियां ही पकवानी थी तुमसे तो साला पढ़ाने की क्या जरूरत थी? Why do you waste time for that? या तो आदमी को कभी काबिलियत दो मत, और दी है तो उस काबिलियत को बाहर निकालने का मौका दो। क्योंकि हेल्थ कोच सिर्फ हेल्थ के नॉलेज से नहीं बना जाता, बहुत सारी चीजें लगती है उसके लिए। सिर्फ नॉलेज की जरूरत नहीं है, नॉलेज इज वन पार्ट ऑफ इट, बट भी दूसरी बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत लगेगी। अरे लिखने से क्या होगा, जब आप लिखते हैं यहां पर तो मैं बता दूं दोस्तों, कहीं और भी वो लिखा जा रहा है। लिखना जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सीक्रेट ये है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बाद में मिलता है, पहले फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस चाहिए। तो आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन अगर ये दो चीजें नहीं है, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, तो लोग अगर आपको जानते ही नहीं है तो आपके पास आएंगे कहां से? ये कैसी बात है पता है? आपके पड़ोस में इंडिया का बेस्ट डॉक्टर है, लेकिन आपको मालूम ही ना हो कि वो इंडिया का बेस्ट है, तो क्या कस्टमर आएंगे? दैट्स द प्रॉब्लम। सो व्हेन यू चार्ज मोर यू कैन डिलीवर मोर, और आप कंपटीशन से अलग होने लगते हैं। और आपको मैं बता दूं, जैसे जैसे आपके कोचिंग आगे बढ़ेंगे, यू विल स्टार्ट सीइंग कि ऐसी ऐसी कहानियां लोगों की जिंदगी की बाहर निकलेगी जिसको हेल्थ कोचिंग के साथ कोई लेना देना ही नहीं है। एंड विद टाइम यू विल रियलाइज दैट यू आर नॉट अ हेल्थ कोच, यू आर अ साइकोलॉजिकल कोच। कितने लोगों को समझ पड़ा सेल्स में सेल्स करना ही नहीं है? पीपल थिंक कि सेल्स इज ऑल अबाउट पैसा मांगना और कहना कि ये फीस पे कर दो और मेरा इतना फीस। एक्चुअली उसकी कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इसका, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है इसका। Just solve their problems, just connect with them and people are ready to pay. See, आज की दुनिया में मैं सबको बता दूँ, सबसे सस्ता वो है जो पैसों से मिलता है, क्योंकि पैसा कमाए हुए दुखी लोगों की कोई कमी नहीं है, और जो पैसों से खरीद के मिल जाए उससे सस्ता कुछ नहीं है। और इसलिए बिंदास चार्ज करो, बेशर्म होके चार्ज करो, बस एक ही कंडीशन, उसे जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक हम नहीं सोएंगे। परेशान हो रहे थे, तब क्रेडिट इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, उसका पता कारण क्या था? जब आपको भीड़ मना करे, समझ लो कि आप कुछ बड़ा करने के लिए आए। दोस्तों, फिक्स माइंडसेट कहता है कि मुझे जो आता है वो ही मैं कर सकता हूँ, जो मैं लेकर आया हूँ, जो मेरे पास इनबिल्ट टैलेंट है, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। और जो ग्रोथ माइंडसेट के लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि अगर मुझे कुछ पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी आता है तो मैं सीख सकता हूँ। If you don't move, और आप अपने बॉडी को दोस्तों पैसिव कर देंगे तो आपका माइंड पैसिव हो जाएगा, और एक लर्निंग मेथोडोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा कि आपका माइंड तभी इवॉल्व होगा जब आपका बॉडी इवॉल्व होगा। और मैं आपको बता दूं, फर्क ही नहीं पड़ता कि आपका रंग क्या है, फर्क ही नहीं पड़ता कि आप कैसे दिखते हैं। क्यों बताए? क्योंकि ये सब कुछ पहले 5 सेकंड, 10 सेकंड या 1 मिनट मैटर करता है, लेकिन 1 मिनट के बाद आप ऐश्वर्य राय भी क्यों ना हो या दीपिका पादुकोण भी क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके कॉन्टेंट में दम नहीं होगा ना तो आपकी पिक्चर भी फ्लॉप हो जाएगी। सीए एसोसिएशन मुझे बुलाते हैं, मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। मेडिकल एसोसिएशन मुझे बुलाते हैं, मेरे से ट्रेनिंग लेते हैं। व्हाई? क्योंकि सब्जेक्ट नॉलेज मैटर करता है, ना कि मैं पढ़ा लिखा क्या हूँ। IBM, Microsoft और Apple कंपनियां भी अभी ये कहती हैं कि मैं आपकी डिग्री के साथ कोई लेना देना नहीं है, मैं आपकी काबिलियत के साथ लेना है। सीखना जरूर चाहिए बट कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर आदमी अलग है, हर एक का बैकग्राउंड अलग है, हर एक का एक्सपीरियंस अलग है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है ना वो मार्केट में कराओ और फिर देखो मजा क्या।
कृष्ण के ऊपर प्रोग्राम शुरू किए, भगवद गीता के प्रोग्राम शुरू किए, और उसमें मैंने वो कथा टाइप का प्रोग्राम नहीं किया जो हमारे देश के ज्यादातर जगहों पर होता था, संत महात्मा लोग आते हैं कथा करते हैं, नहीं, मैं उस प्रोग्राम में भी शर्ट पैंट में रहता था, कुर्ते पैजामे में रहता था और यू नो प्रैक्टिकल बातें करता था। मुझे किसी को कॉपी नहीं करना है, मुझे सिर्फ सही बनना है। It's been 26 years. 26 साल से स्टेज पे काम कर रहा हूँ, 26 लाख से ज्यादा लोग मेरे सामने आ चुके हैं। आजकल के इन्फ्लुएंसर से लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बट वो इन्फ्लुएंसर 3 साल से और 4 साल से सोशल मीडिया पे है, उन्होंने भी तो उतना ऑडियंस है ना रियल लाइफ में नहीं देखा होगा जितने ऑडियंस को मैं केटर कर चुका हूँ। जब वो एक टाइटल आपका देखते हैं मनी का, तो वो आपको ज्यादा एक्सपोर्ट मानेंगे, या फिर जब वो आपके 3 टाइटल्स देखते हैं, they don't see 50 पेज की बुक है, 150 पेज की बुक है, what they see is, और जब आप बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, that I have written 3 books, on becoming rich, or on money, or on wealth, or I'm a money coach, wow, it changes everything. So that's the same thing which can happen in every industry, in every field. If you are into real estate, तो उसके ऊपर भी इसी तरह से bifurcate किए जा सकते हैं दो तीन subjects को। Titles sell, जैसे फिल्म का नाम थ्री इडियट्स। सो या बैड मैन जब आया था, द टाइटल द नेम वाज सो अट्रैक्टिव, सो पीपल वर अमेज्ड बाय द टाइटल्स। मेनी पीपल हैड लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड होता ना कई थोड़े थोड़े डाउट्स की वजह से इंसान अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। जब आज पीके शिवानी जी को सब जानते हैं, बट उनके भी है दादी जान के मुझे बुलाकर पास बैठा कर ये कहते हैं कि हमारे ब्रह्मा कुमारी के टीचर्स के लिए कोच करो। मैं 17 का था तब मैंने सारे टीचर्स को ब्रह्मा कुमारी के टीचर्स को माइंड ट्रेनिंग्स